गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास 12 बायोलॉजी एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। सो इन दिस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन द एग्रीकल्चर फील्ड, एंड एग्रीकल्चर फील्ड में हम लोग इंट्रोडक्शन इसमें हमने एग्रीकल्चर के कर लिया था, यानी बीटी कॉटन बनाना। एंड बीटी कॉटन के बाद आपने ये भी देखा था कैसे राउंडवर्म रेजिस्टेंट क्या कहते हैं राउंडवर्म रेजिस्टेंस क्रॉप्स बनाई थी। ये कुछ क्रॉप्स के डायग्राम्स भी आप देख सकते हो, यू कैन सी इन द स्लाइड। एंड आपने राउंडवर्म रेजिस्टेंस टोबैको भी बनाया है, राउंडवर्म उसको नहीं लगता, टोबैको को पेस्ट रेजिस्टेंस है आयरन इंटरफेरेंस से। तो दिस इज ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एंड आफ्टर दैट वी हैव डन द जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जेनेटिक इंजीनियर इंसुलिन बनाया हमने। एंड ये पेशेंट्स को, डायबिटिक के पेशेंट्स को हेल्प करता है एंड लार्ज अमाउंट में लार्ज स्केल पे बन सकता है बाय द कल्चर ऑफ द बैक्टीरियाज। एंड इसमें दोनों जो जीन होती है पेप्टाइड ए पेप्टाइड बी उनको लिंक करके मैच्योर इंसुलिन बनाया जाता है। आगे हम ये देखेंगे कि इसमें एलर्जी से प्रिवेंशन होती, कोई भी एलर्जी नहीं होती क्योंकि किसी ऑर्गेनिज्म से निकाला नहीं होता ये इंसुलिन, इट इज डिराइव फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड देन वी आर यूजिंग इट इन फॉर द थेरापीटिक्स। एंड उसके बाद क्या हुआ कि इसमें जीन थेरेपी है, जीन थेरेपी इज अ करेक्टिव थेरेपी टू करेक्ट और ट्रीट द हेरिडिटरी डिजीजेस। जीन थेरेपी करेक्टिव थेरेपी है हेरिडिटरी डिजीजेस की। एंड जीन डिफेक्ट कभी चाइल्ड में कोई हो जाता है तो उसके बाद इंसर्ट की जाती है, उसमें डिफेक्टिव जीन को हेल्दी जीन से रिप्लेस किया जाता है। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी 1990 में 4-year-old गर्ल की करी गई थी, एडिनोसिन डीएमिनेज जीन जो थी उसकी, उसकी डेफिशिएंसी को सही किया गया था बिकॉज उसमें डिफेक्टिव जीन को बोन मैरो ट्रांसप्लांट के ट्रीटमेंट से हेल्दी उसमें जीन डालकर उसे करेक्ट किया गया था, एडीए एडीए का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए उसमें इंसर्ट करके। एंड मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में क्या किया, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे एलाइसा, ये दोनों चीज हमने कल डिस्कस करी थी कि किस तरीके से मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस किया जाता है, हम अर्ली डायग्नोसिस कैसे किसी भी डिजीज का कर सकते हैं ये यहाँ पर दिया हुआ है। एचआईवी का भी डिटेक्शन हम कर सकते हैं इससे, हम कोई कैंसर होता है कैंसर पेशेंट है उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं इससे। एंड इसमें डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशंस इन द जीन, जीन में कोई म्यूटेशन हो जाए या डिसऑर्डर होता है उनको भी करेक्ट कर सकते हैं हम। पीसीआर रिक्वायर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, पीसीआर में हम जो भी हमारा मटेरियल है सीरम है उसमें अगर कोई आरएनए का पार्टिकल है डीएनए का पार्टिकल है उसको मल्टीप्लाई करके उसको डबल करके उसको डीएनए से उसको कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब्स से लिंक करके हम डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड क्लोन विद म्यूटेटेड जीन्स, उन्हें म्यूटेटेड जीन्स में अगर हमें पता चलेगा हमारा क्लोन अगर वहां पर मैच नहीं हुआ, इसका मतलब जो पेशेंट है उसमें कोई म्यूटेशन है, तो इस तरह से हम जहां जहां पर लिंक नहीं हुआ होगा वहां वहां पर क्या पता लगा सकते हैं कि क्या म्यूटेशन है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया था कल। नेक्स्ट डायग्राम हमने देख लिए थे, प्रिंसिपल ऑफ पीसीआर हमने देख लिया था एंड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पे ये काम करता है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स हमने देख लिए थे, ठीक है। तो अब हम इनको एक बार एनसीईआरटी से भी चेक कर लेंगे बिकॉज हमें एनसीईआरटी हमारी स्टैंडर्ड बुक है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। तो आई एम सर्चिंग द पीडीएफ ऑफ बायोलॉजी एनसीईआरटी क्लास 12th चैप्टर 12। इससे भी हम रेफर कर लें बिकॉज हमें दोनों चीजें देखनी होती हैं, हम दूसरे सोर्सेज से पढ़ते हैं प्लस पर हम एनसीईआरटी को रेफरेंस लेकर पढ़ते हैं। तो लास्ट टॉपिक्स है हमारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स के। तो कल हमने देखा था कि ट्रांसजेनिक
एनिमल्स डिजीज की स्टडी करने के लिए भी हेल्पफुल होते हैं, उनसे हम डिजीज स्टडी करते हैं हम प्लांट एनिमल्स की, एंड इसमें बायोटेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशंस दिए हुए हैं, एंड ये हमारी एनसीईआरटी का इमेजेस हैं। एक वीडियो मैंने इस पे भी बनाई थी एनसीईआरटी में, जिसमें मैंने फर्स्ट टू स्टेप्स एक्सप्लेन किए थे, और अब हम ट्रांसजेनिक एनिमल एक्सप्लेन करना चाहते हैं। इससे दोनों को रेफर कर लेंगे हम। एथिकल इश्यूज, ये भी एक टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, एंड ट्रांसजेनिक एनिमल्स, एनिमल्स दैट हैव हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड, ऐसे एनिमल्स जिनको अपना डीएनए जिन्होंने चेंज किया उनका डीएनए मैनिपुलेटेड है, यानी उनमें या तो कुछ अल्ट्रेशन की है डीएनए में, या फिर हमने कोई फॉरेन जीन उनमें डाली है, तो वो ऐसे एनिमल्स को जेनेटिकली इंजीनियर्ड एनिमल या जीएमओस कहा जाएगा, एंड उनको हम एनिमल्स को ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी कहते हैं। ऐसे ट्रांसजेनिक रैट्स बनाए हुए हैं, वी हैव मेड ट्रांसजेनिक पिग्स, वी हैव मेड ट्रांसजेनिक रैट्स एंड काउस, फिश, शीप्स ऐसी बनाई हुई हैं, माइस ऐसे बनाए हुए हैं हमने, जिनमें जहाँ पर ऑल ओवर 95% ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल हम बना चुके हैं, ओवर 95% ज़्यादातर उनमें से कौन है, माइस। हमने ज़्यादातर एनिमल जो ट्रांसजेनिक बनाए उनमें 95% एनिमल्स कौन है, माइस हैं। एंड वाई आर दीज एनिमल्स बींग प्रोड्यूस्ड, इन एनिमल्स को हमने क्यों बनाया, बिकॉज हाउ कैन मैन बेनिफिट फ्रॉम ऐसी मॉडिफिकेशन से, ह्यूमन को तो कुछ बेनिफिट होना चाहिए ना, अगर वो इतनी मेहनत कर रहा है, डीएनए चेंज कर रहा है, किसी ऑर्गेनिज्म को बना रहा है, तो उसका कुछ तो फायदा होगा उससे, उससे कुछ काम करना होगा उससे, तो रिसर्च है, रिसर्च के पर्पज से, और कौन से फील्ड में रिसर्च कर रहा है वो देखना है यहाँ पर हमको। फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल, एंड इसमें हम ये देखते हैं कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी स्पेसिफिकली डिजाइन टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड। ट्रांसजेनिक एनिमल को हम इसलिए बनाते हैं कि हम ये स्टडी कर सके जीन कैसे रेगुलेट होती हैं, एंड कैसे वो नॉर्मल फंक्शंस बॉडी के डेवलपमेंट उनको कंट्रोल करती हैं। स्टडी ऑफ द कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स इन्वॉल्वड इन द ग्रोथ, सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, ऐसे भी हम इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स को भी हम लोग इसमें स्टडी कर सकते हैं, जैसा कि हम करते ही हैं, कि कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स हैं जिनको इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर IGF इनको बोलते हैं, कि अगर हमने इनकी जीन्स को डिस्टर्ब कर दिया, म्यूटेट कर दिया IGF की जीन्स को, तो आफ्टर देयर म्यूटेशन वी कैन स्टडी दैट वॉट इज देयर रोल इन द बॉडी, IGF का रोल क्या है। अगर कोई चीज नहीं होती तो उसका सीधा इफेक्ट अगर क्या पड़ता है, वही उसका रोल होता है, वही उसका फंक्शन होता है। तो इस वजह से बाय इंट्रोड्यूसिंग द जीन्स फ्रॉम अदर स्पीशीज दैट अल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर एंड स्टडिंग द बायोलॉजिकल इफेक्ट्स दैट रिजल्ट, इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड अबाउट द बायोलॉजिकल रोल ऑफ द फैक्टर इन द बॉडी। बॉडी में उसका बायोलॉजिकल रोल बताते हैं ये, स्टडिंग द बायोलॉजिकल इफेक्ट्स, बायोलॉजिकल इफेक्ट्स भी बता सकते हैं उस जीन को पढ़ने से। स्टडी द डिजीज, अब नेक्स्ट हम मेथड को देख रहे हैं, स्टडी ऑफ द डिजीज, डिजीज को स्टडी करना। मेनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डिजाइन टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ जीन्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट। हम स्टडी ऑफ डिजीज में, कोई भी डिजीज होती है वो एक, उसका एक अकेला रीजन नहीं होता कभी भी, और स्पेशली जेनेटिक डिजीजेस का, तो काफी डिजीजेस ऐसी होती हैं जो जीन से रिलेटेड होती हैं और जिनसे रिलेटेड और भी चीजें होती हैं, और भी चीजें उनसे लिंक्ड होती हैं। तो अगर एक जीन में प्रॉब्लम आती है तो उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस भी होते हैं जो इफेक्ट कर जाते हैं, और उन प्रोसेसेस में भी, क्योंकि बॉडी में हर चीज इंटीग्रेटेड है। अगर लीवर में, मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल लें, लीवर में कुछ प्रॉब्लम होने लगे, ठीक है, तो जैसे कि प्रॉब्लम का सेंस ले ले, मलेरिया ही ले ले, मलेरिया का जो पैरासाइट होता है वो हमारे अंदर आकर, आपने तो लाइफ साइकिल पढ़ी है, पैरासाइट आकर सबसे पहले लीवर पे ही अटैक करता है, लीवर पे अटैक करने, लीवर के सेल्स में ग्रो होने लगता है, ग्रो होने के बाद वो वहां से बर्स्ट होके उसकी नेक्स्ट स्टेज को क्या, ब्लड में डालता है। अब लीवर से वो ब्लड में आ जाता है, ब्लड से फिर वो ग्रो करके प्लेटलेट्स को कम कर देता है,
तो प्लेटलेट्स के कम करने से हमें हेडेक और ये सब प्रॉब्लम्स और वीकनेसेस ये सब आने लगते हैं। तो डिजीज में हर ऑर्गन कैसे ना कैसे करके इन्वॉल्व होता है। वहां पर अगर हम जीन की बात करें, डाउन सिंड्रोम की आप बात कर सकते हो। 21 क्रोमोसोम की जब ट्राइसोमी होती है, तो 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होने के बाद वो क्या करता है, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, अलग अलग तरह के सिम्टम्स आ जाते हैं और एनिमल में। तो वो जो ह्यूमन होता है मेंटली रिटार्डेड होता है, उसकी फरोड टंग होती है, उसकी पामग्रीज छोटे, हाँ पाम छोटे होते हैं, और भी सारे रीजंस होते हैं। तो इस तरह से जो एक डिजीज है जेनेटिक डिजीज, वो बहुत सारी चीजों से रिलेटेड है। दीज आर स्पेसिफिकली मेड बाय सेवरल सीवियर मॉडल सर्व एज मॉडल फॉर ह्यूमन डिजीजेस। अगर हम ट्रांसजेनिक एनिमल में कोई जेनेटिक डिजीज का टेस्ट करते हैं, तो वो मॉडल फॉर ह्यूमन की तरह, मॉडल की तरह काम कर सकता है। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट के तरीके ढूंढने में हमें हेल्प कर सकता है। पॉसिबल मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट ढूंढे जा सकते हैं उससे। टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल्स जो है एग्जिस्ट करते हैं मैनी ह्यूमन डिजीज के, जैसे कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड अल्जाइमर्स। ऐसे करके कुछ जो बीमारियां हैं वो इनके ऊपर स्टडी करी गई है एनिमल्स के थ्रू। ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के थ्रू इन डिजीज के ऊपर स्टडी करी गई है। कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिजीज कंटेनिंग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, बट सच प्रोडक्ट्स आर टू एक्सपेंसिव टू मेक ट्रांसजेनिक एनिमल्स। इनको आराम से बना सकते हैं, पर ये वैसे तो एक्सपेंसिव है, पर अगर हम ट्रांसजेनिक एनिमल में ऐसी जीन डाल देते हैं जो इस प्रोडक्ट को नेचुरली बना देगी, अपने प्रोडक्ट बनाते बनाते, तो वो हमारे लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। ऐसी काउज बनाई गई हैं जो कि ह्यूमन के प्रोटीन को अपने मिल्क में बना बना के दे सकती हैं। तो ऐसी काउ क्या होंगी, इनका प्रोटीन रिच मिल्क होगा, और इस मिल्क को जो इन्फेंट बेबी होते हैं जिनके मदर के अगर नॉर्मली मिल्क नहीं आता, तो इन पर्टिकुलर काउ के मिल्क को उनको दिया जाता है। ये प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क होता है, इसमें 1 लीटर में 2.4 ग्राम्स लैक्टोल्ब्यूमिन प्रोटीन आता है, और ये प्रोटीन है आपका लैक्टोल्ब्यूमिन प्रोटीन। ऐसे ही वहां पर दूसरी तरफ दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर जीन्स डाली गई α1 एंटी ट्रिप्सिन ह्यूमन प्रोटीन की, और ये α1 ह्यूमन ट्रिप्सिन जो प्रोटीन है, ये एम्फाइसीमा नाम की बीमारी को ट्रीट करने के लिए काम आता है। दैट मीन्स इसमें जो स्मोकर्स होते हैं जिनमें एल्विलाइज खराब हो जाती है, जिनकी एल्विलाइज इलास्टिसिटी खो देती है, उनको ट्रीट करने के लिए ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट α1 एंटी ट्रिप्सिन काम आता है। एंड दिस इज बीन प्रोडक्ट ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब आगे अगर हम देखें, फिनाइलकीटोन यूरिया को भी ऐसे ट्रीट कराया जा चुका है, और आगे भी हम ऐसे करते रहेंगे। उसमें 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ ऐसी बनाई रोजी नाम की, रोजी काउ से बोला जाता है। उसमें ये रहता है अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। एंड न्यूट्रिशनल क्वालिटीज की बहुत अच्छी होती है इस मिल्क की, बैलेंस प्रोडक्ट होता है बेबीज के लिए। छोटे बेबीज इस काउ के मिल्क पे अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब वैक्सीन सेफ्टी अगर हम देखें, तो ट्रांसजेनिक माइस हैव बीन डेवलप्ड फॉर यूजिंग टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ द वैक्सीन। ऐसे माइस डेवलप करे जा चुके हैं जो टेस्ट सेफ्टी वैक्सीन की जो टेस्ट करते हैं। एंड ट्रांसजेनिक माइस को सेफ्टी के लिए, पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी के लिए भी किया जाता है यूज। पहले ये वैक्सीन माइस में लगा के देखी जाती हैं, फिर इन्हें पोलियो वायरस से एक्सपोज करके देखा जाता है कि इनमें इम्यूनिटी डेवलप हुई है कि नहीं, ये सक्सेसफुल वैक्सीन हैं कि नहीं, और तभी उन्हें मार्केट में लाया जाता है वैक्सीन को। तो वैक्सीन सेफ्टी के लिए ऐसे, जैसे कोविड की भी अभी वैक्सीन चल रही है, तो उसके लिए भी पहले वो ट्रायल्स में गई होगी, माइस पे, पिग्स पे, इन सब पे यूज हुई होगी, और फिर जाके वो मार्केट में आके ह्यूमंस पे आई है। केमिकल सेफ्टी, अगर हम कोई भी केमिकल सेफ्टी लाते हैं
कोई भी ड्रग बनाते हैं, टैबलेट्स बनाते हैं, उनकी भी सेफ्टी चेक करनी होती है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल इसके लिए भी उनके अंदर ऐसी जीन डाल देते हैं हम जो उनको सेंसिटिव बना देती है टॉक्सिक सब्सटेंसेस के, एंड देन नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स से दे आर देन एक्सपोज टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस। फिर उनको सेंसिटिव बनाने के बाद उन्हें टॉक्सिक सब्सटेंसेस से एक्सपोज किया जाता है, फिर देखा जाता है उनका इफेक्ट, स्टडी किया जाता है। तो टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इन सच एनिमल्स, ऐसे एनिमल में टॉक्सिसिटी को टेस्ट करना लेस टाइम, जल्दी से हमें रिजल्ट दे देता है। तो इससे हम केमिकल्स जो भी मार्केट में दवाइयां आती हैं उनकी केमिकल्स की सेफ्टी टेस्टिंग करते हैं। अब एथिकल इश्यूज, अब हम इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बना रहे हैं जिनके अंदर अलग अलग तरह की जीन्स है, तो फिर हमारी रिसर्च का कुछ तो मतलब वो हो सकता है, हार्मफुल इफेक्ट भी हो सकता है। मान लो हमने तो अच्छी जीन डाली पर उसके अंदर जाके वो गई बैड रिएक्शन करने लग रही है, तो उससे तो क्या हो सकता है, इन्वायरमेंट के लिए भी खतरा हो सकता है। तो ऐसी कुछ चीज है जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो इन्वायरमेंट में कुछ प्रॉब्लम बना सकती है, कुछ ऐसे क्रीचर्स को डेवलप कर सकती हैं जो कि कोई भी उसको कंट्रोल नहीं कर सके। कोई ऐसे वायरस डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि जब कोरोना आया था तो सबने यही बोला था ये तो लैब में बनाया हुआ वायरस है, ये तो मतलब म्यूटेशन से बना है और ये नेचुरल नहीं है, ये तो मैन मेड है। तो यही क्वेश्चन राइज होता है। जीईएसी एक ऐसी कमेटी होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो कि इंडिया के पास है। ऐसी कमेटी अलग हर कंट्रीज की कुछ ना कुछ होती होंगी, जो कि एथिकल स्टैंडर्ड्स को, मोरालिटी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज को और बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के रिस्पेक्ट में देखते हैं, और ये देखते हैं कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिज्म का कोई अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट ना ला दे, कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस ना हो जाए इकोसिस्टम में जो कि इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल इफेक्ट्स शो कर दे। आई होप आपको ये एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। एंड देयरफॉर द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप ऑर्गेनाइजेशन सच एज जीईएसी। इंडिया के पास ये कमेटी ये अप्रूव करती है कि वेदर द जीएम रिसर्च इज वैलिड और नॉट, उनकी वेरिफिकेशन करती है, एंड मॉडिफिकेशन यूसेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर पब्लिक सर्विसेज एज फूड मेडिसिन सोर्सेज फॉर एग्जांपल, सो क्रिएटेड प्रॉब्लम विद पेशेंट्स विद पेटेंट्स ग्रांटेड फॉर द सेम। फिर सही होने के बाद ही उनको करा जाता है उन एक्सपेरिमेंट्स को, फिर उनके लिए पेटेंट्स दिए जाते हैं। ये हमने देखा। और इससे रिलेटेड कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और पेटेंट्स राइट्स होते हैं, जो भी कोई किसी का नॉवल इन्वेंशन होता है वो उसे पेटेंट लेता है उसके लिए, और वो अपने उसको ओनरशिप मिल जाती है उसकी, उसकी सेलिंग मार्केटिंग बिना उस पर्सन के परमिशन के नहीं करी जा सकती। फिर तो ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजीज हो, ऐसे कोई भी प्रोसेसेस हो जो किसी ने खुद इन्वेंट किए, नॉवल इन्वेंशन है, तो उनके लिए पेटेंट दिया जाता है। एंड इसके लिए एक इंस्टेंस है कि इंडिया की जो राइस थी, बासमती राइस, पहले से इंडिया में ही वो ओरिजिनली थी, बट किसी अमेरिकन कंपनी ने उसके लिए पेटेंट ले लिया हमसे पहले, और उन्होंने कहा ये तो हमारी नॉवल क्रिएशन है, ये हमने बनाई है, जबकि इंडिया की वो सेंचुरी से इंडिया में ग्रो हो रही थी, एंड यूएस ने उसका पेटेंट लिया, तो ट्रेडमार्क बन गया उसका, यूएस का बन गया, तो बट ये था इंडिया का। और ऐसे ही इंडिया की बासमती दूसरे कंट्री में आ गई, और दिस न्यू वैरायटी ऑफ बासमती इज एक्चुअली बीन डिराइव फ्रॉम इंडियन फार्मर वैरायटी, सेमी ड्वार्फ वैरायटी, एंड क्लेम्ड एन इन्वेंशन और नोवेलिटी। उन्होंने उसको अपनी वैरायटी से क्रॉस करा के खुद का नोवल इन्वेंशन बता दिया, जबकि वो था इंडिया का ही। एंड द पेटेंट एक्सटेंड टू द फंक्शनल इक्विवेलेंट इंप्लाइंग दैट अदर पीपल सेलिंग बासमती राइस कुड बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द पेटेंट्स। तो पेटेंट्स से दूसरे पर्सन उस प्रोडक्ट को बेच नहीं पाएंगे, ना ही खरीद पाएंगे, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे पेटेंट लॉ से। प्रोसेसेस बेस्ड ऑन इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन, टर्मरिक, नीम, अब इंडिया ने भी फिर इसीलिए बहुत सारे हर्बल चीजों के ऊपर पेटेंट्स ले लिए हैं, एंड इंडिया भी अब इसके लिए अवेयर हो गया है। बायो पायरेसी,
एक ऐसी टर्म है जिसमें बायो रिसोर्सेज का मल्टीनेशनल कंपनीज और अदर ऑर्गेनाइजेशन बिना ऑथराइजेशन के कुछ भी यूज नहीं कर सकती, नहीं तो उन्हें फाइन पे करना पड़ेगा। कहीं और की मटेरियल को कहीं और पर ले जाया नहीं जा सकता, इसको बायो पायरेसी बोला जाएगा। इस पर बायो पायरेसी का कानून लगता है और इसके ऊपर लॉ लगता है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन रिच फाइनेंशियली बट पुअर बायोडाइवर्सिटी, एंड इंडिया के पास पर रिच बायोडाइवर्सिटी है, बायो रिसोर्सेज हैं जिनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, सेव टाइम एफर्ट्स एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग कमर्शलाइजेशन, बेनिफिट शेयरिंग बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, देयरफॉर सम नेशंस डेवलपिंग लॉ टू प्रिवेंट सच अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉइटेशन। ऐसी अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉइटेशन को रोका गया है। इंडियन पार्लियामेंट हैज रिसेंटली क्लियर्ड द सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल। इंडिया की पार्लियामेंट ने भी अपने लॉज को और स्ट्रॉन्ग किया है, वो इन सारी इश्यूज को कंसिडर करता है, पेटेंट टर्म्स, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव, सभी चीजों के लिए ये लागू किया गया है। तो ये कुछ इश्यूज थे जो एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज थे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से। यहाँ पर हमारा चैप्टर 12 फिनिश होता है, एंड विद दिस वी ऑल्सो फिनिश द यूनिट बायोटेक्नोलॉजी, एंड नेक्स्ट वी विल बी डूइंग फ्रॉम मंडे वी विल बी डूइंग अवर लास्ट यूनिट, एंड जिसमें हमें 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं फॉर आवर बोर्ड एग्जाम्स टू गो। सो विद दिस आई एम गोइंग टू फिनिश दिस सेशन हियर, एंड यू विल बी राइटिंग द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर एज वेल। कंप्लीट इट योरसेल्फ बाय रेफरिंग टू द एनसीईआरटी एंड रेफरिंग टू दिस वीडियो। थैंक यू।